हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एआर एजुकेशन मंदिर में। तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले पढ़ा जाता है जनरली वो है नाउन। मैंने वर्ब को पहले पढ़ा दिया है और सेकंड में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को नाउन। तो चलिए आज नाउन पढ़ते हैं। तो नाउन क्या होता है? तो मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो पहले उस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगी, ठीक है? जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे, रटने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि व्हाट इज द नाउन। ओके, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया है? किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था। क्या लिखवाया है? फिर से, किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम। नोटेबल थिंग इज व्हाट? नाम। व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ना, इनके नाम को हम नाउन कहते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्हाट? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड as a name of a person, place or a thing. Okay? मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, हमारी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इंसान है, persons, जितने भी इंसान है, place, जितनी भी जगह है, thing, मतलब जितनी भी चीजें हैं, इन सभी के नाम को, किसको? नाम को ही नाउन कहते हैं। तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ें तो नाउन क्या होता है? इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं हमें। नाउन का मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं? नाम, चाहे वो किसी भी चीज का हो, किसी का भी हो, किसी भी चीज का हो, किसी भी जगह का हो, नाम ही तो है। नाउन मतलब क्या होता है? नाम, नेम, याद रखो, सिंपल नेम है ना। नाउ इज इक्वल्स टू नाम, नाम इज इक्वल्स टू नेम, आपको जैसे याद रहता है, ठीक है? नाम का मतलब नाम या फिर नेम। कितना सिंपल हो गया ना समझना हम लोगों के लिए। जैसे कि पर्सन में किसी का नाम लेना है, मान लो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रिचा है। क्या है? नाम, नाउन है। प्लेस, आपको कौन सा प्लेस अच्छा लगता है? मान लेते हैं गोवा, ठीक है? गोवा, ओके। क्या है ये? उस जगह का नाम है, प्लेस है, प्लेस का नाम है गोवा। नाउन है थिंग। ये मेरे पास में देख रहे हो, पेन है ना, पेन, इसे क्या कहते हैं? पेन, पेन नाम है ना। नाम, नाम को ही क्या कहते हैं हम लोग? नाउन। कितना सिंपल हो गया है ना, बहुत ज्यादा डीप में हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं और आसानी से क्या समझ लिया? नाउन का मतलब नाम होता है, हो गया। तो अब जो नाउन है ना, नाउन के पांच प्रकार होते हैं, ठीक है? मतलब टाइप्स जो है ना नाउन के, वो पांच होते हैं। अब ये कौन कौन सा है तो चलिए अब वो सीखते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, ठीक है? ये क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन, ओके? ये हमारा टाइप्स ऑफ नाउन लिखा हुआ मैंने ऊपर पे, टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें से पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन जो है वो व्यक्तिवाचक है, ठीक है? अभी मैं डिटेल में अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी एक एक करके। मैंने पहले आपको टाइप्स के नाम दिखा दिए, ठीक है? प्रॉपर नाउन जिसमें कि एक प्रॉपर किसी इंसान का आप नाम लेते हो, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक का आपने नाम बताया प्रॉपर इंसान का, ठीक है? मान लो इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, उसमें से किसी एक का नाम आपने बताया, मान लो धोनी। क्रिकेटर्स जो बहुत सारे हैं ना, उसमें से किसी एक क्रिकेटर का नाम बताना है, आपने बोला धोनी। धोनी इज व्हाट? प्रॉपर नाउन, ठीक है?
कलर्स में आपको किसी एक कलर का नाम लेना है, तो मैंने बोला रेड कलर। तो ये रेड कलर क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? ये जाति वाचक, मतलब आप जब किसी जाति यानी कि किसी सब कैटेगरी की बात करते हो ना, जब किसी चीज को आप कैटेगरी में बांट देते हो, किसी जाति में बांट दिया है आपने, मतलब किसी जाति के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। अभी मैं अच्छे से बताऊंगी। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक, मतलब कि जो ग्रुप में है उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, मतलब किसी आप सब्सटेंस को जो है ना आप कह सकते हैं, किसी चीज को आप कह सकते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाववाचक है, इसमें सिर्फ वो भाव जिसको कि ना आप छू सकते हो ना ही देख सकते हो, बस उसका भाव आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। आपके अराउंड कुछ हो रहा है जिस उस चीज को आप ना छू सकते हो और नहीं देख सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब मैं इसको अच्छे से आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, ठीक है, तब अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये है प्रॉपर नाउन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, व्यक्तिवाचक यानी किसी प्रॉपर कुछ, किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या फिर प्लेस को जो डिनोट करता है ना, जिसके बारे में बताते, उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो नाउन हमें स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल पर्सन का नाम, स्पेशल प्लेस का नाम, स्पेशल थिंग्स का नाम जो बताता है, जो नाउन, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। स्पेसिफिक बोलो, स्पेशल बोलो, है ना। तो वो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। ओके, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। मतलब ये कि इनमें हम अंतर समझने के लिए, डिफरेंस इनमें क्या है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जो है, इनके इनको समझने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश में नहीं, हम स्टार्ट में जो है ना, स्टार्ट जो करते हैं वो कैपिटल फॉर्म से करते, कभी भी स्मॉल लेटर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान का नाम हमें लिखना है, जैसे मैं अपना ही अगर नाम यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, एज अ नाउन, मैं अपना नाम जब एज अ नाउन नहीं, मतलब मेरा नाम तो नाउन ही हो गया, तो रीचा लिखा, तो मैंने फर्स्ट लेटर जो लिखा ये क्या लिखा मैंने, कैपिटल लेटर में। कभी भी आप नाम को, किसी का भी नाम हो, नाम को आप कभी भी स्मॉल, जैसे कि ये है ना, स्मॉल लेटर से कभी भी स्टार्ट नहीं करते इंग्लिश में, कभी भी स्मॉल लेटर से नाम का स्टार्ट नहीं करते। इसलिए नाउन, इनके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो होता है, उनके स्टार्ट जो होता है ना, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। बाकी के जो लेटर्स हैं आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लिख सकते हैं, बट स्टार्ट का जो होता है वो कैपिटल ही होता है। ओके, अब प्रॉपर नाउन को आगे समझते हैं। प्रॉपर नाउन इंक्लूड पर्सनल नेम्स, प्लेस नेम्स, नेम्स ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, सॉन्ग्स एंड अदर मीडिया। ओके, अब प्रॉपर नाउन क्या क्या इंक्लूड करता है अपने में? पर्सनल नेम्स को पहले ही मैंने बताया, इसको थोड़ा और मैं डिफाइन करके बता रही हूँ, इसलिए मैंने और लिख दिया है, ठीक है। क्या करता है? पर्सनल नेम को डिफाइन करता है ये, इंक्लूड करता है, सॉरी, पर्सनल नेम, प्लेस नेम्स को पहले ही बताया, नेम्स ऑफ कंपनीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वीवो, वीवो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां ना, उस इतने सारी कंपनी में आपको कोई बोले किसी एक कंपनी का नाम बताओ, आप बोलोगे वीवो, या फिर बोलोगे सैमसंग, है ना, नोकिया, क्या है ये जो आप नाम बता रहे हो, ये इतने सारे कंपनीज हैं, कंपनी है ना, अब इतने सारी कंपनीज हैं, उसमें से किसी एक नाम को आपको बताना है, पिक करना है, तो आपने किसी एक कंपनी का नाम बताया, सैमसंग, वीवो या फिर नोकिया, जो आपकी मर्जी हो। तो ये जो आपने नाम बताया यही है प्रॉपर नाउन। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स
बुक्स के जो टाइटल्स होते हैं ना, मतलब ये किस चीज की बुक है, राइट? बुक्स तो बहुत सारे हैं, बुक्स में भी मान लो मैं इंग्लिश रीड करा रही हूँ, इंग्लिश ग्रामर की बुक, किसी बुक का नाम लो आप, क्या ले रहे हो? इंग्लिश ग्रामर बुक। तो इंग्लिश ग्रामर बुक, आपने बुक का नाम बता दिया, ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके, फिल्म्स, सॉन्ग्स एंड अदर मीडिया। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू समझते क्या है। सीता इज माय फ्रेंड, सीता इज माय फ्रेंड। अब ये जो सीता है हमारी, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, मेरी फ्रेंड है। कौन है मेरी फ्रेंड? बहुत सारी मेरी फ्रेंड है ना, लेकिन किसी एक फ्रेंड का नाम बताना है। तो क्या मैंने बोला सीता इज माय फ्रेंड? तो ये जो सीता, जो मैंने नाम बताया सीता, ये सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, आई लिव इन दिल्ली। प्रॉपर नाम क्या बताया? मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये दिल्ली क्या है? मेरा प्रॉपर नाउन है। नाउन प्लेस, प्लेस का नाम नाउन, और प्रॉपर नाउन आप किसी जगह के बारे में बता रहे हो, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो मैंने क्या बताया आपको? स्पेसिफिक जगह का नाम क्या बताया? दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन। कल मैं आपको कलेक्टिव नाउन और ये सब पढ़ाऊंगी, कि आज शॉर्ट वीडियो ही रहने देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे काम आ गया है, तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। इसके टाइप्स है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।